नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चेता गांव में बस्तरी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड की ओर से बुधवार 12 फरवरी 2020 को समिति स्थल के प्रांगण में किसानों के लिए बोनस वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता किसान शिव शंकर राय ने किया, जबकि संचालन पूर्व मुखिया कमलाकांत राय ने किया। इस दौरान करीब 792 किसानों के बीच वित्तीय वर्ष 2013 से 14 तथा 2016 से 17 का कुल 8,95,831 रुपया का नकद बोनस के रूप में वितरण किया गया। किसानों ने शिविर में पशुपालन व दुग्ध उत्पादन में हो रही परेशानियों से समिति के अधिकारियों को अवगत कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिथिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष उमेश राय ने कहा कि संघ किसानों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। किसानों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए संघ की ओर से समिति में निःशुल्क पशु चिकित्सा की सुविधा, कीड़ा की दवा, टीकाकरण, नियमित दूध की जांच और भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने गाय की खरीदारी पर मिलने वाले ऋण की भी जानकारी किसानों को दी। मौके पर प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, निदेशक मंडल के सदस्य रामा प्यारी देवी, इंदु देवी, निदेशक मंडल के सदस्यों में गनौरी प्रसाद, अरविंद कुमार, दीपक प्रसाद, परमानंद राय, बीओडी सदस्यों में राजीव मिश्रा, वैद्यनाथ राय, उषा कुमारी, रविंद्र चौरसिया, नवल किशोर पांडे, समिति के अध्यक्ष शिव शंकर राय, सचिव अवधेश चौरसिया, लोहागीर पंचायत के सरपंच निरंजन कुमार राय, तेज नारायण राय, सुबोध कुमार यादव, पूर्व जिला पार्षद प्रभु नारायण राय सहित सैकड़ों पशुपालक ग्रामीण उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। अध्यक्ष महोदय श्री उमेश राय जी और प्रबंध निदेशक श्री धर्मेंद्र कुमार, इसलिए अपील है आपसे, लेकिन मेजबान और इस पंचायत के मुखिया होने के नाते बस्तरी दूध उत्पादक हैं। अजय कुमार चौधरी जी पूर्व बीओडी के सदस्य मिथिला मिल्क यूनियन मंच पर आवे, रसिया जी पूर्व प्रधान अध्यापक उच्च विद्यालय बलिया मंच पर आवेंगे। हम आग्रह करना चाहते हैं और जैसा कि यहाँ पे चर्चा में है कुछ बातें, तो ये पूरी व्यवस्था ही तीन स्तरीय व्यवस्था है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। आप उसको करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। पहली जो स्तर है, पहला स्तर है वो समिति है जिसको आप प्रबंधन आप लोग करते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जैसे कि बस्तरी वैसे बहुत सारी समितियां हैं और वो सारे निर्णय ले सकते हैं जो आपकी आपकी समिति और आपके पशुपालकों की बेहतरी के लिए लिया जा सकता है। और द्वितीय स्तर पे आपका संघ है जो आपके लिए हर समय उद्यत रहता है, हर उस कार्य को, हर उस सरकार की योजनाओं को, चाहे बिहार सरकार की हो, भारत सरकार संघ की हो, महासंघ की हो, उनको उसी रूप में आप लाने के लिए उन सभी कार्यों को हर समय इस संस्था के द्वारा यहाँ पे उपस्थित करते रहते हैं। दूसरी चीज कि इतनी योजनाएं आती हैं, उन सबको एक ऐसे रूप दिया जाए जिससे कि हमारे पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। लेकिन अभी दो चर्चा हो रही थी, मैं इसमें बोलना चाहूंगा, ये दो स्तर, तीसरे स्तर की बात और पशु प्रबंधन, बहुत अच्छी बातें अभी तक हो गई है। पशुपालन हम सभी करते हैं, लेकिन जब तक हम पशु प्रबंधन नहीं करें, प्रबंधन में एक ही चीज आता है, मैनेजमेंट में एक अंग्रेजी का शब्द है वो